चलिए देखेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उससे पहला पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लैकमी को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वीडियो के नीचे जा करके लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल लैकमी को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। किस जल डमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? ये हो जाएगा डोबर जल डमरू मध्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोबर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ता है? यह हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? यह हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर एवं क्लिप सागर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का मुख्य उपदेशक या प्रथम हेरा कौन था? यह हो जाएगा आर्य सुधर्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्षों का भीषण अकाल मगध में कब पड़ा? यह हो जाएगा 300 ईस्वी पूर्व में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेतांबर किसके शिष्य कहलाते थे? यह हो जाएगा अस्थूल भद्र के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? यह हो जाएगा डुरंड कप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? यह जगह कानपुर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? यह 1928 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? फिर सुने, मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? यह हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल लाइकमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। लाइकमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।